अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं प्रवीण शाकर कम्प्लेक्स में। ये FIC के साथ ही है, बिल्कुल फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के साथ है बिल्कुल। और ये हम एंटर हुए हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं ये किस तरह का है। और ये काफ़ी ग्रीनरी है इसमें और अंदर ये एक बिल्डिंग है। हम अंदर वाली बिल्डिंग का भी विज़िट करेंगे। पहले तो बच्चे यहाँ खुले ग्राउंड में जाने के इस बारे में सोच रहे हैं, चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर क्या चीज़ है। कि आपको बिल्डिंग दिखा रहे हैं और बच्चे यहाँ घूमने फिरने का सोच रहे हैं पार्क में, ये खुले ग्राउंड में। अली को तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये आपको बाहर से व्यू दिखा रहे हैं, उस्मान भी काफ़ी एक्टिव हुआ है यहाँ पे आके। ये बिल्डिंग को हम काफ़ी सालों से गुजरते हुए देख रहे हैं, लेकिन हमें इस अंदर जाने का कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था। तो आज वीकेंड था तो हमने सोचा अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ अंदर यहाँ पे रिसेप्शन पे इनके स्टाफ बैठे हुए हैं और वो फीमेल स्टाफ है। उनसे हमने पूछा तो सारी इंफॉर्मेशन ली। यहाँ पे समर कैंप लगता है, समर्स में 2 मंथ्स का होता है, 9 to 1 PM वाला। उसमें 10,000 बच्चों की, एक बच्चे की पर हेड जो है वो फीस है। और उसमें कैलीग्राफी बच्चों को सिखाते हैं, स्विमिंग सिखाते हैं और बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं, जिसमें योगा क्लास भी होती है साथ में। उनको एक दफ़ा वीक में एक दफ़ा सिनेमा भी दिखाते हैं चनाब क्लब ले जाके, और स्विमिंग पूल भी जो है वो चनाब क्लब का ही ये लोग यूज़ करते हैं। तो इस वजह से 10,000 पर मंथ जो है वो पर हेड फीस है इनकी। ये फिटनेस क्लब है जिसकी 3,000 फीस है मैम गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए है ये। और ये सैलॉन है, और सैलॉन जो है उसको भी ये रेंट आउट करते हैं। इनका एक प्रोसीजर है टेंडर एड वगैरह देके, और वहाँ से फिर ये रेंट पे देते हैं। सैलॉन प्रॉपर बना हुआ जैसे होते हैं सैलॉन, काफ़ी खुली जगह है। और इस तरह ये मिरर लगे हुए हैं और सीट्स हैं, म्यूज़िक के लिए भी है सिस्टम सारा रखा हुआ। इनका स्टाफ जो है वो अभी फीमेल ही है, दैट्स वाई मेल जो है वो अंदर आना अलाउ ही नहीं है। तो ओनली फीमेल अंदर जा सकती हैं मतलब इनसे बातचीत करने के लिए भी। और ये वाला वैक्सिंग रूम है, साथ ब्राइडल रूम है, अभी वॉशरूम था। नंबर भी लेके जाऊंगी, पहले विजिट तो कर लो। पंपलेट वगैरह कोई है ना आपके पास वो दे दें, उसमें नंबर शंबर होंगे लिखे हुए, कार्ड वगैरह होते हैं यहाँ पे। ये पहले मीटिंग रूम आपको दिखाते हैं, ये ऊपर है, ये तो मीटिंग रूम है। और ये ऊपर वाला पहले आपको हॉल दिखाया था, ये है यहाँ पे डे केयर सेंटर,
बना हुआ है। डे केयर सेंटर जो है ये आउटसाइडर्स के लिए नहीं था अभी फंक्शनल, ये जस्ट जो मेंबर्स जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं सैलॉन उनके बेबीज़ के लिए हैं। इनके पास आपा भी थी। ये ऊपर वाला हॉल है, यहाँ पे मिलाद वगैरह और स्कूल्स के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज होती हैं। यहाँ पे वेडिंग अलाउ नहीं है लेकिन मिलाद वगैरह अलाउ है। मिलाद में मेल भी अलाउ होंगे यहाँ पे। और ये फिर हम आ गए बाहर वाले एरिया में। बाहर वाले एरिया में ये झूले वगैरह बच्चों के लगे हुए हैं। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स मुझे अच्छा लगा। इसमें आजकल जो है वो मार्शल आर्ट की क्लासेस हो रही हैं वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डेज में। टाइमिंग जो है वो 2 to 4 o'clock है और 5000 फीस है पर हेड। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्या है गाइड हाउस हालात वैसे परवीन शाकर कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? ये ग्राउंड है और क्या है? ये ऐसे बिल्डिंग है साथ साथ। हाँ हाँ मैंने देखा ये बैठ गया सारा।